दोस्तों, मैं हूँ फी सेंटर और मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज है ना मछली पकड़ने तो नहीं जा रहा हूँ। मैं देखूँ कि आसपास बहुत सारी चिड़ियाँ उड़ती हुई देखा हूँ, तो मैं उनकी घोंसले ढूंढ रहा हूँ और शायद कुछ अंडे मिल जाए तो मेरे लिए फायदेमंद साबित होगी। मैं उसे नाश्ते के रूप में खाऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को कृपया आप लोग पूरा देखिएगा और आशा करिए आप लोग कि मुझे वो अंडा मिल जाए। दोस्तों, इधर का लोकेशन देखिए, इधर का स्थिति को देखिए, कितना अच्छा लोकेशन है। ये छोटे बड़े चट्टान ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे पहाड़ से लुढ़क रही है। और दूसरी तरह का इस तरफ की हरियाली को देखिए, अनेक प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उगाए हैं। इनमें से कुछ पौधे को तो मैं जानता हूँ, इसमें बकरियाँ जो खाती है पल्हा, पीपल का पेड़, पीपल के पत्ते नहीं पल्हा, इसे बकरियाँ खाती है वो है। और देखिए, एक बगुला ने उड़ा, उसका घोंसला आसपास ही है। अच्छा, उसका घोंसला आसपास ही है। हाँ, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि उसी का अंडे को या घोंसले का मैं ढूंढूं। ये घोंसला है क्या? देखिए तो वो घोंसला तो नहीं है, ये पानी के बहाव के कारण है ना, घास का उस प्रकार का बनावट आ गया, वो घोंसला नहीं है। अच्छा, घोंसला नहीं है ना। दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक बैल है। बैल भी कभी कभी खतरनाक साबित होता है, मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। मित्र, आप यहाँ पे रुकेंगे क्या? मैं उस पेड़ के घोंसले जाके देखूँ क्या? जाइए, मैं सावधानी पूर्वक जा रहा हूँ। कांच और शीशे सबको देखते हुए घोंसला लेकिन नहीं है। इस पेड़ में देखिए वो कुछ हो सकता है। घोंसला तो मुझे नजर आ रही है। क्या है ये? पानी के बहाव के कारण है ना, जब यहाँ पे बाढ़ आई थी बरसात के मौसम में, तो पानी के बहाव के कारण ये सूखी सूखी घास इस तरह जमा हो गई है, जैसे कि घोंसला है, किंतु ये घोंसला नहीं है। हाँ, दूर से दिखती है कि ये घोंसला है, किंतु घोंसला नहीं है, पानी के बहाव के कारण ऐसा हो चुकी है। यहाँ भी मुझे लग रही घोंसला टाइप की आई है ना, देखते हैं। ठीक है, देखता हूँ इस पेड़ में। देखिए यहाँ पे ये सफेद सफेद क्या है, ये सब बिल्कुल रुई के जैसा है, तो मुझे लग रहा है ये मकड़ा का जाली है।
ऐसे बहुत सारे मकड़ी जो घास के आसपास अपना घोंसला बनाते हैं। हाँ मुझे तो यही लग रही है, लेकिन मकड़ा का जाली मुझे ऐसा महसूस हो रहा और हाँ लेकिन वो नहीं है। हाँ आप सब मुझे समझ में आई। तो देखिए ये मित्र, ये जो है ना फूल, फूल के आसपास इस प्रकार बनावट आ गई है। अब ये मकड़े ने की है या इसका कुछ क्या फंडा है, ये तो संजय सर बताएंगे या मेरे पार्टनर बताएंगे। तो इसके लिए मैं उसके साथ तोड़ उन्हें दिखाने के लिए थोड़ा तोड़ के ले जाऊंगा। और यहाँ पे लग रहा घोंसला है क्या? मैं ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे तो कुछ घोंसला नज़र नहीं आई मुझे, और आगे उस तरफ मैं तलाशता हूँ। तो दोस्तों इस चैनल पर मैं घोंसला तलाशता हूँ। दोस्तों मुझे यहाँ पर एक घोंसला दिखाई दिया और चेक करता हूँ इसमें शायद अंडा है। पास आइए। हाँ दिखा मेरे मित्र आपको? दिखा हमको। अच्छा मैं निकाल लेता हूँ इस अंडे को। वाह ये रहा एक अंडा। तो मित्र बता सकते हैं किस चीज़ का अंडा है आप? मैं तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इस क्षेत्र में, इस फील्ड में तो मैं ही माहिर हूँ, तो मैं ही बता पाऊँगा। तो दोस्त ये एक बगुला का अंडा है। तो मैं इस अंडे को या तो खाऊँगा, या तो नदी में खाऊंगा, या तो घर ले जाऊंगा। तो दोस्तों मैं वीडियो का अंतिम चरण पे आ चुका हूं और मैं इसको फ़िलहाल यहीं पे अंत करता हूं। और इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग विभिन्नताएँ वाले वीडियो देखने के लिए कृपया बने रहिएगा सिर्फ रिवर ब्लॉग पर।